नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक एम्पलीफाई में। दोस्तों फिर से एक और इंटरेस्टिंग जबरदस्त वीडियो मैं आपके लिए ले आया हूं, तो इस वीडियो को बस आप एंड तक जरूर देखना। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MIAR चार्ज के बारे में। ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ये कैसे वर्क करती है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन को कई मीटर दूरी से भी चार्ज कर पाओगे, और ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसको जो Xiaomi कंपनी है उसने ट्रेडमार्क करा लिया है। आगे चलकर ये स्मार्टफोन में तो आ ही चुकी है, उसके साथ साथ आगे चलकर ये स्मार्ट होम डिवाइस में भी आने वाली है। तो ये क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, रेड वाला जो आइकन है उसको ग्रे कर देना जरूर से ध्यान करके, और बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। और आगे चल के वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर दे देना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस टेक्नोलॉजी को नाम दिया गया है MIAR चार्ज, और इसको जो है कंपनी ने 29 जनवरी को जो है शो किया था। तो अभी ये लॉन्च वगैरह नहीं हुई है, पहले इसको शो किया गया है। अब बात करते हैं इसके कुछ खास फीचर्स के बारे में। तो इसके कुछ खास फीचर्स दोस्तों ये है कि आप इससे जो अपने स्मार्टफोन को वायरलेस चार्जिंग कर सकते हो। वायरलेस का मतलब है आपको उसमें किसी भी केबल का, पैड का या फिर वायरलेस चार्जिंग स्टैंड का जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपका ये कोई चार्जिंग सिस्टम है जो कि टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, जो कि नई वाली टेक्नोलॉजी है उससे, और ये आपका स्मार्टफोन है, तो बिना कनेक्ट हुए ये आपस में दूर से ही चार्ज हो जाएंगे कई मीटर दूरी तक। जैसे ये घर के किसी कोने में लगा हुआ है तो दूसरे कोने तक ये ऑटोमेटिकली आपको बेप द्वारा जो आपके स्मार्टफोन को चार्ज कर देगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको इसमें कोई भी बाधा नहीं आएगी। जैसे कि आपने ये कहीं कमरे में रख रखा है और आप किसी दूसरे कमरे में हो तो बीच में जितनी भी दीवार वगैरह आएंगी उनसे कोई भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ये बेप है जो कि दीवार के आर पार हो जाती हैं, तो बीच में कितनी भी बाधाएं आए फिर भी ये स्मार्टफोन को चार्ज इजीली कर देगी। दोस्तों टेक्नोलॉजी जिस बॉक्स में लगी हुई है उस बॉक्स का ओवरऑल नाम पायल रखा गया है। और पायल में क्या होता है कि आपको टोटल 144 एंटीने देखने को मिलते हैं, जो कि 144 एंटीने क्या करते हैं, मिलीमीटर बाइट वेव को ट्रांसमिट करते हैं। ये बाइट वेव क्या करती है, उस स्मार्टफोन तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है जिस स्मार्टफोन को इनको चार्ज करना होता है। और दूसरी चीज ये है कि इस पूरी प्रक्रिया को बीप फार्मिंग कहते हैं। और मैं आपको बता दूं इस पायल को क्या होता है कि किसी स्मार्टफोन की लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है किसी भी स्मार्टफोन तक पहुंच जाए। तो पास में जो भी स्मार्टफोन होता है जिसमें ये वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन दिया जाएगा एयर चार्जिंग का, उसमें क्या ऑन करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली चार्ज होने लग जाता है। तो पायल में 5 एंटीने ऐसे लगे हुए हैं जिनकी मदद से स्मार्टफोन की लोकेशन को ट्रैक किया जाएगा। तो टोटल 144 एंटीने हैं जिनमें 5 एंटीने लोकेशन ट्रैक करने के लिए हैं, बाकी के चार्ज करने के लिए रखे गए हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों इसको अभी लॉन्च नहीं किया गया, ओनली ऑन शो किया गया है। और लॉन्च करने के लिए बारे में कंपनी ने बताया कि 2021 में इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें और ज़्यादा सुधार किए जाएंगे। अभी इस टेक्नोलॉजी को जो टेस्ट किया है उसके माध्यम से क्या एक ही स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। और आगे चल के ये जो स्मार्ट होम गैजेट्स में भी आने वाली, जैसे कि स्मार्टफोन हुआ है, फिर गैजेट स्पीकर्स हुए, कितने भी जो एलेक्सा वगैरह होती है सारी चीज़ चार्ज करने में यूज़ आएगा। और मैं आपको बता दूं 2021 का कोई सा भी ऐसा डिवाइस नहीं होने वाला है जिसमें ये चार्जिंग पहले से दी जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं 5G इंटरनेट नहीं आया है, फिर भी 5G फ़ोन आने लग गए, लेकिन Xiaomi ने साफ मना कर दिया जब तक ये चार्ज ये जो बिल्कुल तरीके से सक्सेस नहीं हो जाती है जब तक किसी भी डिवाइस में इस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। तो यानी कि 2021 में आपको चार्जिंग सपोर्ट नहीं देखना वो मिलेंगे किसी भी डिवाइस में, और ये 2022 में ही मेरे ख्याल से सक्सेस तरीके से आ पाएगा। तो दोस्तों अभी एक टेस्ट ऐसा है जो कि अभी होना बाकी है, जो कि है इस जो वेव निकलती है मिलीमीटर वाइड वेव, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक तो नहीं है, यानी कि ह्यूमन बॉडी को ये कोई भी नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगे। ये टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ ये मुझे अभी नहीं पता है, अगर हो गया है और ये कुछ भी हानिकारक नहीं है तो ये शायद से मार्केट में सक्सेस कर जाएगा, और नहीं हुआ तो दोस्तों ये शायद सक्सेस नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये थी फुल इन्फॉर्मेशन MIAR चार्ज के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते दोस्तों आपसे अगली जबरदस्त इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।